इसको, देखिए ये 4,18,00,000 रुपए का यह पुल में साइड अप्रोच तक नहीं है। लोग जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कलेजा थरथराता है, उनका कलेजा कांपता है। देखिए कब यहाँ पर आप मर जाएंगे, कब आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, इसकी गारंटी ना यहाँ के विधायक के पास है, ना ही संवेदक के पास। इधर आइए, अभी आप काहे ठेल रहे थे इसको, धक्का नहीं आते थे, वापस से ले जाते फिर दोबारा, धक्का दे रहे थे, धक्का दे के लेके, अगर नहीं धक्का मारते तो वापस लेके जाना पड़ता। मतलब ऐसे चल के नहीं आता, नहीं आता भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत। इधर आई। हाँ बोलिए सर। किसका आप किसका गलती मानते हैं, ना ही साइड अप्रोच है, ना ही कुछ है, पुल के नीचे से पहाड़ खड़ा, जो बनाया है उनका गलती है, जो पुल बनाया खड़ा किया उनका गलती माना। जब बात बिहार में पुल की हो रही है तो मैं आपको यह पुल नहीं दिखाऊं तो शायद से मजा नहीं आएगा। बिहार में लगातार आए दिन कभी पुल गिरते हैं, कभी पुल झूले की तरह झूलते हैं, और अभी मैं बिहार के अररिया जिला का एक ऐसा पुल आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आप देखेंगे तो शायद से सब कुछ पल जाता है, ट्रैक्टर पल जाता है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाता है। जी बिहार के अररिया का एक ऐसा पुल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो शायद से लोगों के लिए मौत का कारण बनता है। आए दिन यहाँ घटनाएं होती है और जो टेम्पो ई रिक्शा जो भी गाड़ियां चलती है यहाँ पर पलटी खाता है दोस्तों। और यहाँ के लोग बताते हैं कि जब आप इस पुल पर चढ़ेंगे, इस पुल से गुजरेंगे तो कब आप पलट जाएंगे नीचे, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, ना ही यहाँ के विधायक है, ना ही यहाँ के जो संवेदक, वे संवेदक जिन्होंने इस पुल को बनाने का काम किया उनके पास भी नहीं है, और यहाँ ना ही यहाँ के विधायक के पास। अब दिखाइए कि इस पुल की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, पुल तो जगह पर बना दिया गया और इस पुल से पैसे उठा लिया गया, पैसे की निकासी कर लिया गया, नेता और संवेदकों का जेब पैसे से भर गया, लेकिन लोग रोज इस पुल पर मरते हैं। अब बताइए कि कैसे मरते हैं, कम से कम 20 फीट का ये ढलान है, ये ढाल है पुल से नीचे, आप देखिए 20 फीट से नीचे ढाल है। अब जब इधर से टेम्पो या टोटो या रिक्शा चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अनकंट्रोल होकर वो गिरती है और दुर्घटना का शिकार होते हैं वे लोग। अब बताइए सबसे बड़ी बात इस पुल में कि ये साइड अप्रोच इस पुल में नहीं दिया गया, किसकी लापरवाही से नहीं दिया गया। 4,18,00,000 रुपए का यह पुल में साइड अप्रोच तक नहीं है। लोग जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कलेजा थरथराता है, उनका कलेजा कांपता है। देखिए कब यहाँ पर आप मर जाएंगे, कब आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, इसकी गारंटी ना यहाँ के विधायक के पास है, ना ही संवेदक के पास, क्योंकि इस पुल से केवल और केवल पैसे की उगाही की गई है, केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाया गया है, जनता को ठगा गया है, पूरी तरह से ठगा गया है। देखिए ये तस्वीर देखिए कि कितना भयंकर तस्वीर है, सड़क को देखिए, पुल को देखिए, मैं इस प्रकार की तस्वीर आपको लगातार दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो जब ये चलेंगे टेम्पो जब चलेगा तो ये अनबैलेंस होगा कि नहीं होगा, देखिए दोनों तरफ का डीप देखिए, ये ठेकेदार की लापरवाही है। ये देखिए टेम्पो वाले भैया रुकिएगा, रुके आपसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं यहाँ से गुजरने वाले तमाम वाहन के ड्राइवर से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। इसमें कैसे चलते हैं, डर वर नहीं लगता है? डर करेंगे, लगता तो है डर, ऐसा कितना डीप होगा ये जो साइड अप्रोच भी नहीं है, कितना डीप होगा पुल से, कितना नीचे होगा? बहुत है, कम से कम 6 फीट होगा नीचे, तो बहुत है 10 फीट के लगभग में। अच्छा खड़ा 20 फीट है ये। अच्छा यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह भी होता है? हाँ होता है। कब हुआ है इधर? है 3-4 तो ट्रैक्टर ऐसे पलटी हुआ है कल परसों माल लोडिंग में। अच्छा आइए आप दिखाइए, वो सिटी वाला को दिखाइए,
इसकी हिम्मत नहीं है कि सिटी चालू करके ये आ जाएंगे। देखिए, आइए भाई, इसको दिखाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा वहीं से दिखाइए इसको। देखिए, ये अररिया जिला का फारबिसगंज विधानसभा है, और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है इस पुल का निर्माण किया गया। पुल का ढांचा तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन ना ही यहाँ पर दोनों तरफ साइड अप्रोच है, कुछ नहीं है। आप देखिए कि अगर सवारी, अगर टेम्पो और जो भी ई रिक्शा अगर इस पर चलेगा तो ई रिक्शा को कहीं ना कहीं धक्का लगाना होगा। ऐसे उसकी हिम्मत नहीं है कि ऐसे ये चल जाए इस पर, क्योंकि आप दिखाइए कि किस प्रकार से पुल कितना ऊपर है, और जो इसका रास्ता है, ये जो बना हुआ है, ये कितना नीचे है, आप दिखाइए। ये कहीं ना कहीं सरासर संवेदक के द्वारा पैसा उगाही का खेल हुआ है। यहाँ पर पैसा उगाही के अलावा कुछ और नहीं हुआ है। इधर आइए, अभी आप काहे ठेल रहे थे इसको, धक्का नहीं आते थे, वापस चले जाते फिर दोबारा धक्का दे रहे थे, धक्का दे के लेके, अगर नहीं धक्का मारते तो वापस लेके जाना पड़ता। मतलब ऐसे चल के नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत। इधर आई, बोलिए सर, किसका आप किसका गलती मानते हैं? ना ही साइड अप्रोच है, ना ही कुछ है, पुल के नीचे से पहाड़ खड़ा, जो बनाया है उनका गलती है, जो पुल बनाया खड़ा किया उनका गलती माना जा रहा है। आप बताइए कि हम लोग भी अभी गुजर रहे थे इधर से, और हम लोग भी थोड़ा सा बचे, और जो जानकारी यहाँ के लोगों ने दिया है वो ये है कि आए दिन इस पुल के नीचे से, यहाँ से जो सड़क बना हुआ है, जो डीप किया हुआ है, यहाँ से आए दिन लोग गिरते हैं, और कभी ना कभी ट्रैक्टर पलट ही जाता है, टेम्पो और ई रिक्शा जो है ये पलट ही जाता है। दिखाइए कितना नीचे है। अब बताइए कि यहाँ के जो विधायक जी हैं, शायद से वो भरपूर माल खाए होंगे, इसीलिए इस तरह का जो है ये पुल बना है। पुल तो जगह पर बना दिया गया है, लेकिन पुल से नीचे जो ढलान होता है, ढलान को आप देखिए ना कि किस प्रकार से मनमानी इस पर किया गया है, कौन जिम्मेदार है। अब संवेदक, अगर हम संवेदक की बात करें तो ये बनाने वाले जो संवेदक है, एबी बिल्ड कौन आदापुर, और कार्यकारी एजेंसी जो है ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया के द्वारा यह बनाया गया। लेकिन लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं, अपनी जान को कहीं ना कहीं हथेली में लेकर गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है, और ये मौत का पुल कहा जाता है। देखिए, अब बताइए कि थोड़ा सा अगर साइड आएगा तो कहाँ जाएगा, दिखाइए। ये स्थिति है फारबिसगंज से, और फारबिसगंज से जो हत्ता चौक जाने वाली ये सड़क है, उसी सड़क पर एक पुल बना है, जो लगभग 4,18,00,000 से बना हुआ ये पुल का स्थिति ये देखिए। यहाँ पर गाड़ी कैसे चलेगी, और यहाँ जो लोग आएंगे, जाहिर सी बात है कि उनका कलेजा धड़धड़ाएगा। यहाँ पर कई टेम्पू, कई टोटो रिक्शा, कई गाड़ी, कई ट्रैक्टर यहाँ पलटी खाया है, लेकिन पुल बनाने वाले संवेदक जो है पुल बना के चले गए हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, लोग आने जाने वाले जो लोग हैं, जो जिनका रोजाना का समस्या है, जाना आना, मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए ये समस्या। पूरी तरह से इस पुल में पैसा उगाही का खेल हुआ है, और शायद से यहाँ के जो विधायक है, जो मंचन केसरी जी हैं, उनकी देखरेख में ये सब हुआ है। देखिए लोगों को कितनी तकलीफ होती है, आप देखिए कितना नीचे है। बगल में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, पहाड़ जो दिखती है वहाँ पर दिखती है, पहाड़ियाँ वहाँ पर पहाड़ आपको दिखेंगे, लेकिन आप नेपाल से सटे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे तो आपको यह पुल एक तरह से विशाल पहाड़ जैसा दिखेगा। देखिए ना टोटो वाला,
आप देखिए कि कितना तकलीफ से ये लोग जाते हैं और आते हैं, और कई दिन यहाँ, कल की अगर मैं बात करूँ, कल हमारे जो शाहजहाँ भाई है वो बता रहे हैं कि कल भी यहाँ पर एक ट्रैक्टर पलटी मारा था। अब बताइए कि यहाँ से जो ट्रैक्टर पलटेगा सीधे कहीं ना कहीं 50 फीट गहरी जगह में जाएगा, और वो बचेगा नहीं बचेगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं।